देखिए सेना, एलओसी जैसे कि नाम ही है, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी एक अलग, बिल्कुल अलग दुनिया है। जैसे आपने कहा, व्हाट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई इट। लाइन ऑफ कंट्रोल इज द अनरिजॉल्व बॉर्डर, अनरिजॉल्व बट एग्रीड टू बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आई एल नॉट गो इन टू द डिटेल्स, वी नो द वॉर्स दैट टुक प्लेस एंड वाई द बॉर्डर केम अबाउट। अब वहां पे रहते कैसे हैं? एज द नेम इंप्लाइज लाइन ऑफ कंट्रोल, सो सिंस इट इज द क्वेश्चन ऑफ ग्रैबर्स कीपर्स, अगर आप इस पहाड़ी पे बैठ गए तो ये आपकी हो गई, वेरी लूजली पुट। सो योर सोल्जर्स आर पोस्टेड इन, आर डिप्लॉयड इन पोस्ट अक्रॉस दैट लाइन। पोस्ट, व्हाट इज अ पोस्ट? पोस्ट इज ए ग्रुप ऑफ बंकर्स, कुछ बंकर्स हैं। बंकर क्या होता है? एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें काफी हार्डन्ड वॉल्स बनी होती हैं, सीमेंट और ऊपर लोहा, अर्थवर्क, मिट्टी पाइल्ड अप होती है ताकि आर्टिलरी की शेल से उसमें नुकसान ना हो। छोटे छोटे वेंटिलेटर बने होते हैं जिसको हम लूप होल कहते हैं, उसमें से हम अपने वेपन निकाल के फायरिंग कर सकते हैं। फायरिंग क्यों करनी पड़ती है? अगर वहां से दुश्मन की तरफ से कोई हमें खतरा आता है तो उसे फायरिंग करनी पड़ती है। आगे हम माइंस लगाते हैं, माइंस लगाते हैं तो वहां पेड़ उग जाते हैं क्योंकि हम माइन फील्ड में जा नहीं सकते, तो वो जंगल पैदा हो जाते हैं वहां पे। सो एक टफ इलाका सा बन जाता है। और फिर ये देखने के लिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई इधर उधर ना आए जाए तो उसमें पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। अच्छा, पोस्ट, दुश्मन की पोस्ट और हमारी पोस्ट आमने सामने होती है, कई दफा तो इतने आम पास होती हैं कि लोग चिल्ला के बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गुस्सा भी करते हैं और ठीक बातें भी करते हैं।